जान देने से लकीरें मिट जाती हैं और जिंदा रहने से शायद लकीरें बदल सकती हैं। मेरे लिए काम करेगा मूछा भाई? उधारी का बहुत पैसा चुकाना है, इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगा, इसीलिए दूसरे जन्म की तैयारी कर रहा था। इंसान जब लंगड़ा हो जाता है तो वो मरता नहीं, बैसाखी पे चलता है। तू तो सिर्फ तकदीर का अपाइज है तमाम, सांप न्योले को ढूंढता है, पूरी इस चोर को सूंघ के निकालती है। उसी तरह तू उन लोगों को सूंघ के निकाल जिनका लक मूसा के सामने टिक सके। बेटिंग की दुनिया को मैं उस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता हूं जहां पैसों के सामने मौत भी छोटी लगने लगे। खुदा हाफिज। उस दिन से आज तक ना लक ने मुझे छोड़ा ना मैंने उसे आजमाया। अजीब धंधा है, जो आजमाना चाहते हैं उनके पास लक नहीं, और जिनके पास लक है वो आजमाने से डरते हैं। बिजनेस, प्योर बिजनेस। जाओ कुछ खा लो। शॉर्टकट। सॉरी, मेरा नाम है शॉर्टकट। तुम? राम। राम, ये तुम सुबह दोपहर और शाम का एक साथ खा रही हो? क्या भरोसा, बंदूक की तरह इस मिठाई में भी गोली डाल दियो। एक गोली, पांच खाली, मिठाई खाली, खोपड़ी खाली। क्या उम्र है तुम्हारी? 15-16। बस तुम्हें रहने के लिए काफी है किसी भी रेस में। देखते हैं, फिलहाल ये तो खा लो। हाँ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं गुड इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई मर गया क्या? प्रॉब्लम क्या है? हम सब जिंदा हैं, इतने पैसे कमाए। अरे भाई, हम लोगों को तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना, है ना? मेजर मेजर, आप क्या भी है? ए बैठो बैठो, टू बॉटल्स ऑफ शैंपेन फॉर मी एंड माय फ्रेंड्स। ओके ऑलराइट। नो थैंक्स। ठीक है, तुम तो पियोगे ना? मैं सिर्फ दोस्तों के साथ पीता हूँ। ये लो, इतनी सी प्रॉब्लम, हाथ दो। आम राघव, लो, दोस्ती हो गई ना। वैसे भी हम दोनों के शौक भी तो जैसे हैं। जैसे? लोगों को मारना। तुम्हें कैसे पता मैं आर्मी से हूं? पर्दी वालों के शरीर से एक जैसी बू आती है। सच कहूं तो बदबू। आप एक और टेबल क्यों नहीं लेते? आपसे बात करने का मूड नहीं है। अरे जब वैसे भी यहां खाने में कोई खास मसाला नहीं, डिजर्ट पर हाथ मार गया था। हाय, अब आप ठीक हैं? सॉरी? नहीं, दोपहर में आप थोड़ी स्ट्रेस थी। आई ओके ना? मैं ठीक हूँ। देखिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। दरअसल क्या ये आपकी है? नहीं, ये मेरी नहीं है। क्या आपकी? ओह, आई एम सो सॉरी, ये आपके टेबल पर थी और मुझे लगा कि आपके शायद गुम हो गई है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे रिसेप्शन पे दे देता हूँ।
वैसे डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। सुनिए जी, सॉरी, शायद मेरे बात करने का तरीका गलत था, मैं जरा डिस्टर्ब हूँ आज। ऑफ कोर्स, जो आज हम लोगों के साथ इन लोगों ने करवाया उसे भूलना इतना आसान नहीं है। मैं भी काफी डिस्टर्ब। क्या आपने भी पहली बार किसी को? मुझसे भी। शायद हम इन लोगों की तरह प्रोफेशनल किलर्स नहीं हैं। वेल, आई एम राघव। आयशा। आयशा, वेरी नाइस नेम। आयशा, मैं शैंपेन पीने जा रहा था, वुड यू जॉइन मी प्लीज? मैं आमतौर पे पीती नहीं। आमतौर पर हम लोगों को मारते भी तो नहीं। तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। हाँ माँ। कैसा है तू बेटा? तेरा फोन नहीं आया था ना, मुझे फिक्र होने लगी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुन, मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ, संभाल के रखना। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं बेटा, तू ये बता तू कब वापस आ रहा है? बहुत जल्द, काम खत्म होते ही। I love you, Mom. माँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ का क्या होगा? अगर मैं ये ना करूं तो पूरी जिंदगी कर्ज में दबी रहेगी। कम से कम माँ के पास तो पैसे होंगे। पैसा किसी बेटे की जगह नहीं ले सकता राम। तुम भी तो ये पैसों के लिए कर रहे हो। मेरी बात अलग है। कितनी अलग? खैर छोड़ो, 20 दिन इस गेम में जिंदा रहना है, चांसेस बहुत कम है, जानते हो ना? जानता हूं, चांस लिया है, ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। फौज में कहा करते थे, जाको रखे सैया, मार सके ना कोई। नाइस मीटिंग यू राम। थैंक्स, वाकई आपने मेरा मूड चेंज कर दिया। आई एम फीलिंग मच बेटर। मूड और इरादा तो आपने मेरा चेंज कर दिया है। इरादा? ये आपके लिए। ये आप रिसेप्शन पे देने वाले थे ना? ये किसी और की नहीं हो सकती, सिर्फ आपकी उंगलियां इस पत्थर को अंगूठी का दर्जा दे सकती हैं। मेरी तरफ से एक छोटा तोहफा, ले लो। गुड नाइट। ये मोबाइल शायद आपका है, नीचे रह गया था। थैंक्स। कुछ मिस्ड कॉल्स होंगे, रास्ते में बज रहा था। पता नहीं, अनजान नंबर्स हैं। अनजान तो ये जगह है, अजनबी लोगों से इतनी बातचीत। खैर ठीक है। तुम्हारा मतलब उस राघव से है? जस्ट बी केयरफुल। जानती तो मैं तुम्हें भी नहीं। फर्क है, कुछ काम हो तो वो आखिरी कमरा मेरा है। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें याद करूंगी? सबसे करीब कमरा मेरा ही है। कमरा करीब होने से इंसान करीब नहीं होता। शुक्रिया अदा करने से दोस्ती की शुरुआत तो हो सकती है। यहाँ लोग अपनी जान खो देते हैं, आपका तो सिर्फ मोबाइल खो रहा था।
अंगूठी थी ना, क्यों निकाल दिया आपने? मेरी जेब में है। जेब में? अंगूठी पहनने के लिए होती है, जेब में रखने के लिए नहीं होती। और जेब में रखना अपशगुन होता है। देखिए आप यूं ही बात बना रहे हैं, इट्स रियली नॉट। नहीं, ये सच है, आई एम सीरियस। पहले उसे अच्छा पहले थैंक्स। कितना खुश नसीब, आज मेरे चारों तरफ लक ही लक है। 12 पैराशूट्स, अजीब गेम है ना, लेकिन इन पैराशूट्स के साथ तुम लोगों का लक जुड़ा हुआ है। नहीं समझे? 12 पैराशूट्स में से 9 खुलेंगे और 3 नहीं खुलेंगे। Whoever's lucky will pick up the right parachutes and live, and who's not lucky will die. That's sick. No, that's what luck is all about. शॉर्टकट तो टेंशन मत ले, अगर गलत भी उठा ली तो। क्या मतलब? तू पैसा कमाने का शॉर्टकट है ना, ये तेरे ऊपर जाने का शॉर्टकट है। अगर मेरा पैराशूट नहीं खुला ना, कसम से तेरे को साथ में लेके मरूंगी। इतना प्यार? एक कहावत है, जब इंसान का टाइम खराब रहता है ना तो ऊंट पे बैठे बैठे भी कुत्ता उसे काट लेता है। गेम में एक अच्छी बात है और एक बुरी। मैं नहीं सुनना चाहती। बुरी बात यह है कि कम से कम 2000 फीट की ऊंचाई है। अच्छी बात सुनोगी? तुम वैसे भी बताओगे। अच्छी बात यह है कि इतनी ऊंचाई से गिर के मौत का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा है, अच्छा है। दोनों सूरतों में हम नीचे तो जरूर जाएंगे, बस देखना इतना है कि आंखें खुली रहेंगी या बंद। कोई शक? कोई शक नहीं मेजर। 3 मिनट के गेम में अगर 3 सेकंड लक ने तुम्हारा साथ दिया ना तो 3 करोड़ बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट। Thank you.
the honesty. But you think it's where the funny luck. नहीं, मैं ठीक हूँ. इतना भी मेला नहीं है. पैराशूट से कूदने के वक्त क्या सोच रही थी? कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें बिना सोचे करनी चाहिए. डर नहीं लगा? ऊपर जाने से डर लगता है, हम तो नीचे जा रहे थे. इंटरेस्टिंग. मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं. जरूरी नहीं कि तुम मेरी तरह सोचो. मतलब? तुम शायद कुछ खो ना दो इसलिए यहाँ हूँ. मैंने कुछ खो दिया है इसलिए यहाँ हूँ. देखो, तुमने क्या खोया है ये मैं नहीं जानता. इतना जानता हूँ कि मैं कुछ खोने लगा हूँ. देर पहले यहीं से गुजरे होंगे. ऊंट के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? दौड़ाती थी मटके की रेस में. अरबी लोग पैसा लगाते थे, वहीं से दिमाग ने उठाया, बोला बड़ी रेस में चल. साला यहाँ तो ना रेस है ना पुलिस का केस है, सिर्फ मनवाने के धंधे हैं. माँ बाप को मालूम है तू यहाँ है? उन्होंने तो भेजा मुझे. भेज दिया? हाँ, एक अरबी सेठ को 15,000 में. क्या करते, उन्हें पैसों की जरूरत थी. और वैसे भी हम इस दुनिया में अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं. माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं. अगर कुछ है तुम और तुम्हारा लक निकल जाने का शॉर्टकट से. 16 साल की उम्र में बहुत बोलती है तू. बोलती नहीं, करती भी हूँ. माँ कसम तुम सबको चकमा दूंगी, देखना एक दिन बड़ा हाथ मारूंगी. क्या करेगी बड़ा हाथ मार के? जो जो सोचा है वो सब खरीदूंगी. और क्या क्या सोचा है? साला अखा जिंदगी ऊंट के नीचे निकाला, वो अरब लोग की तरह मैं भी अपनी लिक्सिस लूंगी. लिक्सिस? हाँ, वही. पाकिस्तान की गलियों में जोर जोर से हिमेश भाई के गाने बजाऊंगी, फुल वॉल्यूम म्यूजिक. और सब मुझको देख के बोलेंगे वो देखो शॉर्टकट जा रही है. पर साला एक बात का अफसोस रहेगा,
वो क्या? अरे तुम दोनों नहीं होंगे ना? क्यों नहीं? तब तक तो तुम दोनों लुढ़क चुके होंगे। Ha ha ha!